जेम्स बॉन्ड की सीरीज में अगर कोई काम करे तो उन्हें बॉन्ड्स गर्ल के नाम से जाना जाता है। हॉलीवुड फिल्मों में आइकॉन, सेलेब्स आइकॉन के नाम से मशहूर होती हैं वो एक्ट्रेसेस जो जेम्स बॉन्ड के साथ काम करती हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो वाकई में सबसे बुरी खबर आई है बॉन्ड्स गर्ल के नाम से मशहूर हुई उस एक्ट्रेस को लेकर जिनके निधन ने हॉलीवुड को सदमे में डाल दिया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बॉन्ड गर्ल पुष गैलोर के बारे में। गोल्डफिंगर ऑनर ब्लैकमन अब नहीं रही। जी हाँ, खबर आई है कि जेम्स बॉन्ड गर्ल और द एवेंजर्स की एक्ट्रेस रही ऑनर ब्लैकमन का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी से अब रुख मोड़ कर दूसरी दुनिया में कदम रख दिया है। गोल्ड फिंगर की सीरीज में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी। अब ब्लैकमन के निधन से परिवार तो बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि वो एक बेहद शानदार एक्ट्रेस ही नहीं पारिवारिक दायित्व को भी बहुत शानदार तरीके से निभाने वाली एक ऐसी महिला थी जो एक कमाल की माँ और एक बेहद शानदार दादी भी थी। उन्होंने हमेशा अपनी आवाज से जादू ही चलाया, उन्हें भूलना नामुमकिन है। परिवार के बीच हमेशा उनकी यादें रहेगी जो उन्हें जिंदा रखेगी। उनके बारे में अगर कहा जाए तो अपने काम को आखिरी समय तक बेहद जुनून के साथ पूरा करना वो जानती रही। सिनेमा इंडस्ट्री में उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। यही कारण है कि ऑनर ब्लैकमन के निधन से जेम्स बॉन्ड की बात की जाए या फिर बात की जाए डेविड विलियम्स की, सभी दुखी हैं। ट्रिब्यूट देते हुए उन्हें जेम्स बॉन्ड ने लिखा, टुडे वी मार्क द पासिंग ऑफ अ फिल्म आइकन ऑनर ब्लैकमन हु शैल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड एज पुष ग्रोवर इन गोल्डफिंगर। She was an extraordinary talent and a beloved member of the Bond family. Our thoughts are with her family at this time, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. To wahi David Williams ne likha, Farewell Honor Blackman. She will live forever as Pussy Galore in Goldfinger. Isi tarah se Tony Palin ne bhi unhein vida dete hue kaha, Sad news about Honor Blackman reminded me to search about a really Sketching later, she once wrote to the Guardian picture disc, which has saved from being put in the rubbish bin during the newspaper's move to new offices nearly a decade ago. Next to 9 Newsroom, Satripti report.